हेलो क्लास, आज हम अपना लास्ट लेक्चर फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कास्टिग्लिआनोस थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क दैट इफ एन इलास्टिक स्ट्रक्चर इज इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम अंडर एनी फोर्स देन द वर्क स्टोर्ड इन स्मॉल अमाउंट पॉसिबल पॉसिबल इन स्मॉल अमाउंट। ओके, द थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग रिडंडेंट फ्रेम। ओके, रिडंडेंट फ्रेम द रिडंडेंट मेंबर द रिडंडेंट मेंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय द अननोन फोर्सेस। ओके, मतलब जो भी रिडंडेंट मेंबर होगा उसको हम अननोन फोर्सेस से रिप्लेस कर देंगे, दैट मींस वो मेंबर हम रिमूव कर देंगे वहां से या रिप्लेस कर देंगे। एक्टिंग एट द जॉइंट्स द स्टेटिकली डिटर्मिनेंट सिस्टम विच रिजल्ट्स फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द रिडंडेंट मेंबर इज कॉल्ड द बेस और प्रिंसिपल और परफेक्ट सिस्टम। और जो उसके बाद रिमेनिंग सिस्टम हमारे पास बचेगा वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट सिस्टम कहलाएगा। और ये रिडंडेंट फ्रेम हम किससे निकालते हैं? डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी से। कितने डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंट होगा? तो डिग्री ऑफ रिडंडेंसी या डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंस होता क्या है? सपोज नॉट सपोज अ फ्रेम इज सेड टू बी स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट व्हेन द नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस और स्ट्रेस कंपोनेंट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ कंडीशन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, इफ द नंबर ऑफ अननोन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कंडीशन इक्वेशंस अवेलेबल द फ्रेम इज सेड टू बी परफेक्ट फ्रेम। ठीक है, ओके, मतलब जितने नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपके पास अवेलेबल है और उतने नंबर ऑफ अननोन्स हैं तो हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? स्टैटिकली डिटरमिनेंट कहेंगे। ठीक है, या परफेक्ट फ्रेम कहेंगे। ठीक है, फिर देन बाय कास्टिग्लिआनो थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी वी गेट सपोज देयर इज डिग्री ऑफ रिडंडेंसी इज टू और मोर, सो डेल स्ट्रेन एनर्जी मिनिमम डेल यू बाय डेल टी वन इक्वल टू जीरो, डेल यू बाय डेल टी डेल टू टी टू इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन। ओके, जहाँ हम स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन जानते हैं। ठीक है, और ये हो गया उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रिडंडेंट फोर्स। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है या आपकी ये जो इक्वेशन आएगी इससे ये आपकी वैल्यू कौन सी देगा? रिडंडेंट फोर्स की वैल्यू देगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके लिए भी। सो इन द फ्रेम शोन इन फिगर द मेंबर ए बी बी सी एंड सी ए हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A एंड द मेंबर डी ए डी बी एंड डी सी हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। फाइंड द फोर्स इन द मेंबर डी ए ड्यू टू लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट ए। ये फ्रेम दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ए बी बी सी और सी ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 2A है। और ए डी डी ए डी सी एंड डी बी, इनके इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी डिग्री ऑफ डिटरमिनेंसी है कितनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीन जॉइंटेड फ्रेम है, सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फार्मूला एम माइनस टू जे प्लस आर। ओके, यहाँ मेंबर कितने हैं? एक एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स मेंबर्स। जॉइंट्स कितने हैं? एक वन टू थ्री एंड फोर। ठीक है, चार जॉइंट्स हो गए। और रिएक्शंस कितनी है इसके अंदर? एक हो गया रोलर सपोर्ट का और दो हो गए हिंज सपोर्ट्स के, तो टोटल 3। तो रिमेन इसको कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी? एक। तो ये कितने डिग्री? सिंगल डिग्री का इंडिटरमिनेंट फ्रेम है। ठीक है, तो हम इसमें से किसी एक मेंबर को क्या करेंगे? इसमें रिमूव करेंगे। हमें फोर्स डी एम पूछा तो हमने इसी को रिमूव कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स इसकी जगह हम क्या दे रहे हैं? टी, फोर्स टी दे रहे हैं इसको रिमूव करके। ठीक है, डी ए को। सो टेक ए डी एज अ रिडंडेंट, रिप्लेस इट बाय टेंसाइल फोर्स टी एट द जॉइंट ए एंड डी। ठीक है, तो इस ये इतना फिगर है, ये फिगर में ये एंगल 45 डिग्री, ये थीटा है, ये 3 मीटर है। ठीक है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है ट्राइंगल में। तो ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर है, ये इस ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। सो ये 90 डिग्री का है, ये दोनों इक्वल होंगे। और इससे ये अगर हम इसे प्रोजेक्ट करें तो ये हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ हो जाएगी। ठीक है,
ये 1 मीटर 1 मीटर लेंथ, ये लेंथ क्या हो जाएगा रूट टू, और इस ये लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ 10। ठीक है, ये हाइट हो जाएगा 10 बिकॉज ये 1 मीटर एंड ये 1 मीटर, रिमेनिंग पार्ट इज 2 मीटर। ठीक है, AD लेंथ कितना हुआ, 2 मीटर का होगा, BD और DC इज रूट टू, BC इज 2 मीटर, AB इज रूट ऑफ 10। ओके, सो डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो गई। अब हम सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं RB एंड RC, देन दिस इज समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, HC हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सो HC इक्वल्स टू 10 हो जाएगा क्योंकि एक ही रिएक्शन है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर RB इंटू 2, RC इंटू 2, दैट इज RC इंटू 2 माइनस इक्वल्स टू माइनस 10 इंटू 3, सो RC इज नेगेटिव 15, सो इट विल एक्ट डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव। हमने सपोज किया था ये अपवर डायरेक्शन है, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक्ट हो रहा है और RB अपवर डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे वो जॉइंट लेंगे जिसमें हमारे पास क्या है, दो अननोन, सो दो मेंबर फोर्स क्या हो, अननोन होते हैं। इसमें दो मेंबर फोर्स कौन कौन से अननोन है, DB एंड DC। टी को हम अभी अननोन में नहीं गिनेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें इक्वेशंस में चाहिए रहेगी, तो जितने मेंबर्स हैं सबकी वैल्यू हमें टी की टर्म में चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो DB और DC टी की टर्म्स में आ जाएंगे, जब ए जॉइंट लेंगे तो AB और AC टी की टर्म में आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमें BC निकालना रहेगा। सबसे पहले हम जॉइंट डी लेते हैं या ए ले लो, कोई भी कुछ सा भी जॉइंट ले सकते हो, तो हम जॉइंट डी लेते हैं। ठीक है, जैसे जॉइंट डी लिया तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जॉइंट डी से ये मेंबर्स कनेक्टेड हैं जिसपे हमने DB और DC पे हमने सपोज टेंशन में से टेंशन सपोज किया है। हम इनिशियली सभी को टेंशन लेंगे, फिर जो जिस पे कंप्रेसिव आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, TV टेंशन में लिया है, फिर समीशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस किया तो PDB और DC इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, फिर वर्टिकल, जैसे ही वर्टिकल फोर्स लोगे तो PDB इक्वल टू वर्टिकल लिया। ठीक है, तो इन दोनों का सम इक्वल टू टी हो जाएगा। ठीक है, ये 1/√2 1/√2, तो टी रूट टू, तो 2 PDB डिवाइड बाई 2, तो T/√2। ठीक है, PDB और PDC फोर्स इन मेंबर DB एंड फोर्स इन मेंबर DC कितना आएगा, T/√2 टेंशन। ठीक है, दोनों को टेंशन दिया हुआ है हमने, बाद में जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर हम दूसरा दो अननोन मेंबर, तो या तो अब ये वैल्यू भी निकल चुकी है, तो आप बी जॉइंट ले लो, सी जॉइंट ले लो, ए जॉइंट ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने लिया ए जॉइंट। ठीक है, जॉइंट ए, ये जॉइंट ए है, वो थीटा एंगल था, तो थीटा एंगल की वैल्यू में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1/√10, हाइपोटेनियस की वैल्यू √10 जो मैं पहले बता चुका हूँ, और साइन थीटा क्या हो जाएगा 3/√10। ओके, तो इसको रिजॉल्व करा, फोर्स रिजोल्यूशन करा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे इसको रिजॉल्व किया, इसको मैंने कंप्रेशन दिया, इसको टेंशन दिया, देर इज टी, दिस वैल्यू इज टी, ये टी है। ओके, ये टी वैल्यू दी हुई है, तो इसको रिजॉल्व करा वर्टिकली, तो ए प्लस टी, PAB PAC। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करा, तो इससे इक्वेशन आ जाएगी PAB और PAC की। ठीक है, ये PAB इन टर्म्स ऑफ टी एंड PAC इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, फिर हम जॉइंट डी लेंगे क्योंकि हमारे पास अब BC चाहिए, BC अननोन, बाकी सारे मेंबर्स टी के टर्म्स में आ चुके हैं, तो PBC के लिए हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिए क्योंकि PBC अननोन है, इसे रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसे रिजॉल्व करने के बाद PBC की वैल्यू कितनी आई, ये। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टी, तो फिर इसको टेबुलेट करो क्योंकि हमारे पास फार्मूले में समीशन टी डेल पी बाई डेल टी इंटू एल बाई ए ही है। ठीक है, तो ये हो गया √10। ठीक है, टोटल लेंथ हो गई, सभी की लेंथ दे रखी है, AB AC BC BD CD AD, सभी की लेंथ दे रखी है। ठीक है, लेंथ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और एरिया दे रखा है 2A 2A 2A, और फिर ए एरिया दे रखा है। पी हम सभी मेंबर्स पे फोर्स निकाल चुके हैं, पहले सभी मेंबर्स पे फोर्स हैं। ठीक है, फिर डेल पी बाय डेल टी की वैल्यू निकाली और इन सबका आपस में मल्टीपल कर दिया, और इसमें डॉट ए का मल्टीपल करा क्योंकि हम डिवाइड बाय ए हर एक में लिखते हैं, इससे बेहतर हमने इसमें ए मल्टीपल कर दिया, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये रहा डिवाइड बाय ए। ओके, तो इन सबका सम करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी और इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू हमारी 0.379 किलो न्यूटन टेंशन। ओके, तो मेंबर डी ए में फोर्स हमारे पास आ गया 0.379 किलो न्यूटन। ठीक है, ओके, अब
अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द फोर्स इन ऑल मेंबर्स ऑफ द फ्रेम शोन इन फिगर. ऑल द बार्स आर ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एंड द एरिया ऑफ सेम मटेरियल. ठीक है, सेम मटेरियल दिया है, सेम क्रॉस सेक्शन दिया है, ये लेंथ हाइट एल दे दी है, ये एंगल 45 डिग्री दिया है, 75 डिग्री दिया है, 75 डिग्री दिया है, 45 डिग्री. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी निकालेंगे. तो इसके लिए इक्वेशन क्या होती है, एम माइनस टू जे प्लस आर. एम इसके लिए कितने हैं, चार. जॉइंट कितने हैं, पाँच. और रिएक्शन कितनी है, अगर सपोज हम ये सब क्या मानेंगे, ये सब हिंज है. अगर इसमें कोई भी सपोर्ट अगर रोलर हो गया तो ये अनस्टेबल कंडीशन में हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते. सो इट विल इन स्टेबल कंडीशन. तो हम क्या मानेंगे कि ये सभी क्या है, हिंज है. ठीक है, तो हिंज के लिए रिएक्शंस कितनी होती हैं, दो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. सो टू इंटू फोर, तो डिग्री ऑफ डिटरमिनेंसी कितनी आ जाएगी, टू. ठीक है, तो इसमें हम दो को रिडंडेंट बोलेंगे. तो सपोज हमने ए सी और ए डी को रिडंडेंट कहा इसके अंदर. ठीक है, तो इसकी जगह रिप्लेस करेंगे टी वन और टी टू. ठीक है, या आर वन एंड आर टू. ओके, आर वन आर टू में दिया है मैंने, इसे आर वन आर टू में लिख देता हूँ. ठीक है, आर वन एंड आर टू एट ए सी एंड डी ए शोन इन फिगर. ठीक है, ये आर वन दिया, आर वन टेंशन दिया और आर टू कंप्रेसिव दिया हुआ है मैंने. ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने लिया जॉइंट है, क्योंकि एक ही जॉइंट पे चारों मेंबर्स हैं तो जॉइंट ही लिया. ठीक है, हम क्या चाहते हैं, पी ए बी और पी ए को इन टर्म्स ऑफ आर वन एंड आर टू. तो ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू जीरो और ऑल वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू जीरो. तो ये इक्वेशन इस तरीके से रिजॉल्व होगी. ठीक है, या आर वन ए आर टू है, हमने पी ए और पी ए बी दोनों को टेंशन है एज्यूम करा और इसको रिजॉल्व करा. ठीक है, ये 45 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री बिकॉज ऑफ जेड. ठीक है, अब जहाँ पर भी हमारा जेड एंगल बनता है, तो हिंदी में कहते हैं सिरसाभिमुख कोण. तो ये जो एंगल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, किसी लाइन पर बनने वाले सेम एंगल होते हैं. ठीक है, इसलिए ये 45 डिग्री होगा, ये 75 डिग्री होगा. ठीक है, ये भी 75 और ये 45 डिग्री. ठीक है, इसे रिजॉल्व करा हॉरिजॉन्टली तो ये इक्वेशन बनेगी, और वर्टिकली सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी. ठीक है, ठीक है, इसको रिजॉल्व करो तो ये 10 पी ए इसी डायरेक्शन में, तो इसके साथ सम में और बाकी आर टू पी ए बी कॉस 45 डिग्री और वन 75 डिग्री तीनों के तीनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो इट विल इक्वल, तो ये इक्वल टू के उस पार हो जाएगा. ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी पी ए बी और पी ए की. ठीक है, फिर वर्टिकली रिजॉल्व करो तो पी ए बी पी ए में एक और इक्वेशन आएगी. ठीक है, ये इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व करोगे तो पी ए बी की इक्वेशन हमारे पास ये आएगी. ठीक है, ये पी ए बी की वैल्यू है और ये वैल्यू है हमारे पास पी ए की इन टर्म्स ऑफ आर वन एंड आर टू. फिर वापस से टेबल पर आ जाओ, चार मेंबर्स हैं, चारों मेंबर्स, इनके लेंथ निकालनी थी मेंबर्स की. अगर ये लेंथ एल है, ठीक है, आपके पास परपेंडिकुलर ये एल दिया, ये एंगल दिया हुआ है, तो हम ये लेंथ निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस की, बिकॉज कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. सो पी कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, मतलब ए बी ए सी ए डी और ए की वैल्यू निकल जाएगी एल कॉसेक 45 डिग्री से, एल कॉसेक 75 डिग्री यूज करने के बाद. ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास ये है, ऑल एल कॉसेक 45, एल कॉसेक 75. ओके, तो ये वैल्यूज आ चुकी हैं, पी पी इक्वेशंस हम देख चुके हैं, डेल पी बाय डेल आर वन, डेल पी बाय डेल आर टू. ठीक है, फिर डेल पी बाय डेल आर वन इंटू एल, ये मल्टीपल करने के बाद है, फिर डेल पी पी डेल पी डेल आर टू एल, ये दूसरी इक्वेशन है. ठीक है, तो इन सबका सम करके डेल यू बाय डेल आर वन कॉस्ट जीरो, इन सबका सम, ये डेल आर टू का इक्वेशन का पूरा सम है, तो ये वैल्यूज ये लिखी और पी डेल पी बाई डेल आर वन और इंटू एल, इन इस इक्वेशन का सम करने के बाद हमारे पास आएगा, ये इक्वेशन आएगी. ठीक है, अब दो इक्वेशन आ गई, दोनों अननोन से आर वन आर टू. सो वी विल कैलकुलेट, तो आर वन की वैल्यू कितनी आई, 3 किलो न्यूटन टेंशन, आर टू की वैल्यू आई 3 किलो न्यूटन कंप्रेशन. वी विल पुट आर वन एंड आर टू इन इक्वेशंस ए पी ए बी एंड पी ए ई, इस इक्वेशंस में आर वन आर टू की वैल्यू निकालोगे तो अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यूज आएंगी. ठीक है, 6 किलो न्यूटन. ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन में ट्रस को सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में. सो विल क्लोज, थैंक यू.